थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसमें ये कहा गया है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जिसका मतलब है कि एनर्जी नहीं तो बनाया जा सकता है और ना ही ख़त्म हो सकता है, पर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा। और भगवद्गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 में लिखा गया है कि वाशांची जिनार्नी यथा विहाय नवानी गुहाती नरोड़ परानी तथा शरीरानी विहाय जीर्णा नयनानी संयति नवानी देही। अर्थात आत्मा यानी कि सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है और कभी ख़त्म नहीं होता। एनर्जी और आत्मा दोनों ही इनविजिबल है। सभी मनुष्यों में आत्मा होती है जो कि उसके मरने के बाद अपना बॉडी चेंज कर लेती है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ भगवद्गीता में कई हजार साल पहले ही लिखा जा चुका है विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।